कौन हो तुम? मुझे बचा लीजिए हुजूर, मेरे पीछे 3 गुंडे पड़े हुए हैं, मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं वो, बचा लीजिए। अच्छा मैं देखता हूँ। नहीं, मेहरबानी करके दरवाजा मत खोलिए, बहुत खतरनाक लोग हैं वो। ए दरवाजा खोलो। ओए कोची, तुम क्या समझती घर में घुस के? तुम यहाँ रुको, मैं देख कर आता हूँ। आपको मेरी कसम। ओए गुड़िया, तू तो मैनू बड़ी पसंद आ गई है, तेनू तो मैं पंजाब लेकर ही जावांगा। सोर अब दे। ए सरदार, अरे तीला तरमी माजी बाई को बनवीन, अरे तीला पाऊं तर माजा जीव पोपड़ हाय, कसम मीठू मीठू बोला लाग रहा है। चलो चलो कांजीर के बच्चा, काय को झगड़ा करती है? ओए सरदार जी, ना तुमको मिलेगी, ओए मलाजी ना तुमको मिलेगी, वो गुलिस्तान गुलफाम गुलगुल को हम काबुल लेके जाकर अपनी बेगम बनाएगी। वही 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 क्या हो रहा है? ओए कोई गल नहीं पापा जी, साड़ी को कौन है वो बुरखे वाली? कौन है वो लड़की? नहीं मालूम। कौन है वो लड़की? तू खुद ही जाके देख लेना। सलीम, सलीम, ए लड़की, तुम? और कौन हो सकता है यार? बाहर निकलो। नहीं निकलती। मैं कहता हूँ बाहर निकलो। अरे ए साला, अच्छा तरीका है बाहर निकालने का। अरे तुम मेरे पीछे क्यों बड़ी हो? क्या करूं साला, अपना दिल आ गया है तेरे पे, लेकिन तू इतना भाव क्यों खाता है? सलीम, अरे रे 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 रे। सलीम देख, मुझे ये मजाक पसंद नहीं है। मेरी बात तो सुन यार, मेरी बात तो सुन, सुन यार। अरे रे, मौका मिला है दिल लगाने का, लगा लेना, पूरी रात पड़ी है। सलीम सुबह से पहले न दरवाजा खुद खोलेगा न किसी को खोलने देगा। ए चुप। ए ए रोना नहीं, रोना नहीं। अरे चुप, एक साला डांटता है ऊपर से रोने भी नहीं देता। कहाँ फंस गया यार, क्या करूं? क्या करूं क्या करूं क्या करते हैं रे, एक रोती हुई लड़की को चुप कराना भी नहीं आता है तेरे को? आज तक ये काम किया नहीं ना। ठीक है मैं सिखाती हूँ, एक ग्लास पानी लेकर आ। ला ना साला। पिला मुझे। अब जेब से रुमाल निकाल। मेरे आंसू पोंछ। मगर तुम्हारी आंख में आंसू है ही नहीं। पोंछ। अब मेरा हाथ पकड़। पकड़ यार। और कुछ? अपने गले से लगा ले। हाँ? गले से लगा ले ना साला। अरे अरे अरे, क्या हुआ क्या हुआ? ये तुम हंस क्यों रही हो? तुम चीखी क्यों थी? चूहे को चाकू से नहीं डंडे से मारा जाता है। चूहा? कहाँ है चूहा? अरे चूहा। तुम हंसते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। अब सो जाओ। जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, अपनी मोहब्बत को अरमानों के कफन में लपेट कर यहीं दफन कर दो, वरना पछतावे के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। राख के ढेर में आग नहीं लगा करती पारो, भूल जाओ, भूल जाओ मुझे। आज के बाद मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं करूंगी। अच्छा तुम बरसों पहले अचानक कहां गायब हो गए थे?
जो जुर्म बहुत पहले छोड़ दिया था वही जुर्म बरसों से मेरा पीछा कर रहा है। उसी से पीछा छुड़ाने के लिए मैं भागता रहा। अब जिंदगी का आखिरी वक्त करीब आ गया है। सोचता हूं मरने से पहले मुझ पर जो एक कर्ज है उसे चुका दूं। कर्ज? कैसा कर्ज? उस बच्चे का कर्ज जिसे मैं तुम्हारे हवाले कर गया था। वो बच्चा तो अब जवान हो गया है बादशाह, वो देखो इतना बड़ा हो गया है ये, अब तो कमाने भी लगा है, वेटर की नौकरी करता है। वेटर की नौकरी? इतने बड़े सेठ का बेटा नौकर? हेलो, हाँ मैं सेठ धनराज बोल रहा हूँ। सेठ जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है, मैं फौरन आपसे मिलना चाहता हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? बादशाह, जो आपकी खोई हुई खुशियां आपको लौटा सकता है। क्या तुम जानते हो मेरा बेटा कहाँ है? अरे तो फिर मुझे बताओ ना मेरे बेटे के बारे में। मैं तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगा बादशाह, अपनी तमाम दौलत तमाम जायदाद तुम्हारे नाम लिख दूंगा, बस मुझे मेरा बेटा दे दो। एक और खास बात, जब तक मैं आपसे ना मिल लूं इस बात का किसी को पता ना चले। अरे हीरा, हीरा एक खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी, हमारा बेटा, हमारा, देख तू किसी को बताना नहीं है, फिर बताऊंगा, हमारा बेटा जिंदा है। हाँ, पार्वती, ओ पार्वती, ओ पार्वती, क्या हुआ? अरे हमारा बेटा हमें मिल गया, हमारा खोया हुआ बेटा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ पार्वती, मैं सच कह रहा हूँ, अभी अभी फोन आया था। किसने किया था? अरे हाँ, वो बच्चा, बादशाह ने फोन किया था, वो जानता है हमारा बेटा कहाँ है। हाँ, अरे मुझे, नहीं हीरा, तू जा जल्दी से वॉचमैन को कह दे मुझे कोई भी मिलने आया उसे रोके नहीं, जल्दी से मेरे पास भेज दे। जा जा हीरा, जा जा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों है? 20 साल पहले मरा हुआ मुर्दा जमीन फाड़ कर बाहर निकल आया है, उसे दोबारा दफन करना है। बादशाह, मैंने जो तुझे 9 घंटे की मोहलत दी थी वो खत्म हो चुकी है। सुना था तू बड़ा सूरमा है, ये हत्थे पे वार करेगा। अगर सचमुच मर्द का बच्चा है तो एक चाकू मुझे भी दे दे। चाकू एक है मगर चलाएंगे हम दोनों। बुढ़ापे का जवानी से मुकाबला कभी नहीं होता शिवा, नजर कमजोर हो चुकी है मेरी। मुकाबला तो करना ही है बादशाह, चल बुढ़ापे और जवानी का फर्क भी मिटा देता हूं। Huh?
सचमुच बड़ा अच्छा चाकू चलाता है। लेकिन याद रख, ये चाकू बड़ा बेईमान होता है। ये चाकू नहीं, तू बेईमान है बादशाह। तूने हीरा से किसी का खून बहाने की कीमत लेकर भी उसका खून नहीं बहाया। किसका खून बहा था शिवा? एक दूध पीते मासूम बेगुनाह बच्चे का, जो अपने बचाव के लिए न भाग सकता था न चिल्ला सकता था। हाँ, मैं उसे मार नहीं गया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको मारना चाहा, उसने मेरी तरफ ऐसे मुस्कुरा कर देखा कि मेरा हाथ कांप गया, चाकू गिर गया। फिर चाकू मेरे हाथ से कभी नहीं उठ सका शिवा, कभी नहीं उठ सका। एक बात जिंदगी भर याद रखना शिवा, बहादुरी चाकू उठाने में नहीं, उसे तोड़ देने में है। तोड़ दे इस चाकू को, तोड़ दे, वरना ये चाकू एक दिन तेरा भी साथ छोड़ देगा शिवा।